अस्सलाम वालेकुम। आज नानों के दस्तरखान पे कुकिंग नहीं होगी, आज कुछ दूसरी एक्टिविटी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, जो आजकल ज़रा सा हॉबी को जिनको शौकीन है जो लोग उनके लिए, और जो मैं भी मशहूर रहती हूँ इन चीज़ों में, तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को हेड बैंड जो ये मैंने बनाए हुए हैं और हैंड बैंड, ये दो चीज़ें बहुत ईजी हैं जो सिखाना चाह रही हूँ, ताकि हर बच्चियाँ हर लोग घर में बैठे हुए आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये क्रोशिया नीडल है जो 4 mm मेरे पास है, 5 mm भी है, 3 mm भी है, आप जो भी ला सकती हैं आप बाज़ार से ले लीजिए। और ऊन का ये एक गोला जिसको कहते हैं वुल का, वो इसकी डोरियाँ भी आती हैं वो भी आप ले सकती हैं। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेसिक चीज़ें जिससे स्टार्ट किया जाता है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको नॉट बनाना सिखाऊंगी बेसिक, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फिंगर पे ये किया, इसको फिर मैंने यहाँ से ऐसे लेके, ये देखिए ये नॉट बन गया। ये देखा आपने कैसे आसानी से बन गया, ये एक नॉट बन गया। अब जब ये नॉट बना लेंगे तो ये जो छोटा वाला है इसको इस तरफ साइड में करेंगे, और ये जो मेरे पास ये देखिए, अब इसको मैंने हाथ पे इस तरह से लेना है। आपको जैसे समझ में आए, जो आसान लगे उस तरह से कीजिएगा। और इसमें बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, नॉट बनाने के बाद चेन बनाई जाती है, जो आज ये पहला स्टेप है क्रोशिया बनाने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, चेन बनाना। तो ये देखिए मैं चेन बना रही हूँ, 1, 2, 3, 4। ये तो मैं बहुत आसानी से बना रही हूँ इसलिए कि मुझे प्रैक्टिस है। आपको इसकी प्रैक्टिस करने पर, बाद लोग उनको इस तरह से पकड़ते हैं, बाद लोग इस तरह सीधे तरीके से स्तंभ पकड़ लेते हैं, लेकिन जब भी हमें कुछ भी बनाना है, चाहे मुझे 12 चेन बनाने हो, चाहे मुझे 10 चेन बनाने हो, सबसे पहले बेसिक ये चेन बनाना होगा। फिर देखिए एक दफ़ा और मैं नॉट बनाना सिखा रही हूँ। ये एक आसान तरीका एक इस तरह से है, क्रॉस में ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आपने ऐसे क्रॉस किया और इसको लेके यहाँ से ऐसे कर लिया, ये एक नॉट बनता है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं बना सकते आप, तो आप सबसे आसान तरीका इसको भी यूज़ नहीं कीजिए, आप अपने फिंगर पे ऐसे लीजिए, ठीक है, इसको इस तरह से बल दीजिए और इस तरह से बना लीजिए नॉट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आसानी हो जिसमें। अब ये देखिए ये नॉट मैंने बना लिया, इसको टाइट कर लिया इस क्रोशिया की नीडल पर, ठीक है। अब इसको मैं चेन बना रही हूँ, इसमें क्या करना है, ये जो छोटा वाला ऊन है इसको साइड में कर देंगे और ये बड़े वाले ऊन को अपने फिंगर पे ऐसे ले लेंगे और अब चेन बनाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4। इसकी प्रैक्टिस अभी आपको करनी है कि क्रोशिया कैसे पकड़ा जाए, चेन कैसे बनाया जाए। क्रोशिया का कुछ भी आप काम शुरू करेंगे, आपको चेन बनाना ज़रूरी है, फिर आप कुछ भी चीज़ को बना सकती हैं। तो आज मैंने फर्स्ट स्टेप बताया, जब ये सीखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी।